नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय, न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मई की गर्मियों में, इतनी तपती गर्मियों में कटिंग से लगने वाले पौधे बताऊंगा, जिसकी कटिंग आप आँख बंद करके भी लगा दोगे तो उन प्लांट की कटिंग लग जाएगी। तो वैसे कुछ प्लांट बताऊँगा आपको जो आसानी से कटिंग से लगने वाले प्लांट है। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला प्लांट हमने लिया है ये स्नेक प्लांट। इतनी गर्मियों में भी आप इस प्लांट की पत्ती लगाओगे किसी भी गमले में तो ये लग जाता है बहुत ही आसानी से। बस इसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1.5-2 महीने का टाइम लग जाता है इसमें से नए प्लांट निकलने में। तो इसकी पत्ती जो है, इसको यहाँ से कट करके आप किसी भी गमले में साइड में ऐसे यहाँ रख दीजिए, तो इसमें से नया प्लांट निकल के आ जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने ये लगाया था और यहाँ से देखिए नया प्लांट निकल के आया है। तो इस तरह से आप स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी की एक पत्ती लेके लगा दीजिए तो आपको नया प्लांट मिल जाएगा। इसके बाद हमने लिया है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट को बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, तो इस प्लांट की भी कटिंग आप लेके लगाइए तो एक टाइम लग जाएगी। इसकी कटिंग लेके प्योर रिवर सैंड, जो नदी की रेत आती है उसमें लगा दीजिए तो इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है, तो इस प्लांट की भी कटिंग आप लगा सकते हो गर्मियों में इस टाइम। इसके बाद हमने लिया है सिलोसियम फ्रेग्रेंस, जिसे चेन प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। कहीं भी आपके ये प्लांट दिखे तो इसके साइड मेरे नर्स निकल के आते हैं, तो वहाँ से आप लेके अब इस प्लांट को लगा दीजिए तो ये लग जाएगा। इसकी मिट्टी में आप रिवर सैंड और थोड़ी गार्डन सॉइल दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हो, इसकी कटिंग लग जाएगी, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके बाद हमने लिया है ये देखिए स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत पौधा है, और आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो और गमले में भी लगा सकते हो। और गर्मियों में क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के वहाँ अगर धूप लग जाती है इस प्लांट को तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से जलने लगती है, तो वैसे में पौधा ख़राब हो जाए। तो इससे अच्छा है हम नए पौधे तैयार कर ले, तो इसके जो रनर्स है बहुत सारे टाइम निकल के आते हैं, तो वो कट करके थोड़े से मैच्योर हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए देखिए, तो आप यहाँ से कट करके किसी भी गमले में साइड में लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लगाया, वैसे आप किसी भी गमले में लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कट किया था तो साइड में यहाँ पे भी लगाए थे नए नए, देखिए ये तो ये लग गए हैं। इतनी गर्मियों में भी ये इसके पौधे लग जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पूरा कट कर दिया था, तो देखिए कितना अच्छा हो गया है एकदम ग्रीन, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये जो पुरानी पत्तियाँ थी वो जल रही है, नई पत्तियाँ देखिए एकदम खूबसूरत हैं। इसके बाद हमने लिया है मनी प्लांट। मनी प्लांट की भी आप कोई भी वैरायटी हो इस टाइम आप लगा सकते हो गर्मियों में, ये लग जाएगी। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखो, मनी प्लांट की आप कटिंग लगाओ तो प्योर रिवर सैंड, जो नदी की रेत आती है उसमें लगाइए, या फिर पानी में लगाइए तो इसकी कटिंग लग जाएगी। इसकी कटिंग को आप खाद वाली मिट्टी हो या गार्डन सॉइल ऐसे में मत लगाइए, क्योंकि जो रिवर सैंड में रिजल्ट मिलता है वो जल्दी मिट्टी में नहीं मिलता। रिवर सैंड में इसकी रूट्स जल्दी निकल के आती है, उसके बाद आप भले रिपोर्ट करने के लिए अलग से मिट्टी डाल के, जो गार्डन सॉइल है वो डाल के नई मिट्टी तैयार करें। तो पहले आप इसकी कटिंग रिवर सैंड में लगाइए या फिर पानी भर के, पानी में रखते कटिंग, तो आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। और मनी प्लांट को एक पत्ती से, सिंगल पत्ती जो आती है उससे भी ग्रो कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पे मनी प्लांट है, तो यहाँ पे देखिए नोड एरिया निकला हुआ है, तो वहाँ से कट करके आप लगा सकते हो। इसके बाद हमने लिया है ये कलानचोई प्लांट। कलानचोई प्लांट को भी आप इस टाइम लगा सकते हो कटिंग से, क्योंकि गर्मियों में क्या है कि धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगते हैं, तो इससे अच्छा है कि कटिंग करके हम नए प्लांट तैयार कर ले। ये देखिए, इतनी ज़्यादा केयर हम कर नहीं पाते हैं और क्या है कि ख़राब होने लगते हैं पौधे, तो इसकी जो ऊपर वाली टिप है उन सबको कट करके आप लगा दीजिए अलग गमले में तो ये लग जाएगी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लगाई भी है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा के रखी है करांचो की कटिंग, ये लगाई है यहाँ, ये भी लगाई है देखिए, तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। और इसको लगाने के लिए रिवर सैंड, जो नदी की रहती है वही रेत आती है वही इस्तेमाल कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ग्रो हो जाएगी कटिंग। इसके बाद हमने लिया है ये देखिए,
अडेनियम प्लांट। अडेनियम बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। इस प्लांट की भी कटिंग लेके कहीं भी आपको प्लांट ये दिखे, हाइब्रिड हो या देसी हो, मतलब डबल पेटल सिंगल पेटल कोई भी प्लांट हो, तो आप इसको कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। और कटिंग से तैयार करके भी इसका कोडेक्स आप मोटा कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट है, ये दोनों देखिए। तो इसकी कटिंग लेके आपको एक दिन छाया में सूखने देना है और फिर लगा देना है। लगाने के लिए आप कटिंग की जो कट किया हुआ पार्ट होता है वहाँ पे क्या कीजिए कि फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए और कटिंग को लगा दीजिए। कटिंग को प्योर जो रिवर सेंड आती है, रिवर सेंड और राइस सस्क्यू चावल के छिलके आते वो मिक्स करके लगाइए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें गार्डन सॉइल का थोड़ा सा भी इस्तेमाल मत कीजिए और इसकी कटिंग लगा दीजिए। कटिंग लगा कर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती है, उसके बाद में छांव आ जाती है, वैसी जगह पे रख दीजिएगा, तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। तो इसके बाद हमने लिया है मदर ऑफ थाउजेंड, जिसे हजारों की माँ भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी हर एक पत्तियों पे हजारों प्लांट निकल के आते हैं और उनसे नए पौधे तैयार होते हैं। तो इस प्लांट को आप कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हो और आसानी से ये कटिंग से लग जाता है। ये देखिए, ये वाला जो बड़ा प्लांट है ये मेरा जब मैंने लगाया था उसके बाद थोड़े टाइम बाद ख़राब हो गया था, तो मैंने कट करके इसकी कटिंग लगा दी थी। तो देखिए आज कितना बड़ा है। तो इसकी कटिंग लेके आप गार्डन सॉइल, आपके वहाँ की जो है गार्डन सॉइल और रिवर सैंड दोनों हाफ हाफ मिक्स करके आधा आधा और इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी कोई भी वेराइटी हो आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। इसके बाद हमने लिया है ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया। मैक्सिकन पिटोनिया को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो और ये भी कटिंग से लगने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो, ये भी कटिंग लग जाएगी। ये पेडिलेंथस है, पेडिलेंथस की कटिंग भी आसानी से लग जाती है। आप इसकी कटिंग कट करके एक आध दिन रहने दीजिए, इसका लिक्विड निकलना बंद हो जाए, उसके बाद आप इसको लगा दीजिए तो इसकी कटिंग लग जाएगी। तो बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाले प्लांट है। मैंने जितने भी आपको प्लांट बताए वो सब प्लांट आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। और ये है हमारा देसी बीन का, आप चाहे तो इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और सीड से भी तैयार कर सकते हो। ये लग जाता है और 12 मास ये फूल देने वाला पौधा है। और देसी वाले बीन का इतनी हार्ड होती है कि ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाती है, तो इसको भी अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड कर लीजिए इस बार, तो आपका गार्डन भी फूलों से भरा रहेगा। ये देखिए इस तरह से, बस आप ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिएगा। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।